यार अगर दिल से देखोगे ना तो नेचर की हर एक चीज़ में बड़ी कूल फ़िलासफ़ी है मीन्स इफ़ यू नोटिस केयरफुली यू विल सी अ वेरी कूल फ़िलासफ़ी इन एवरी प्लेस यू सी डू गेट मी आई विल एक्सप्लेन यू वेलकम बैक टू योर चैनल नमस्ते इंडिया दिस इज़ कर्मा स्पेस लाइव माई नेम इज़ वैशाली सुप्रभात कैसे हो आप सब लोग सुबह के बज रहे हैं तीन ग्यारह नाइन्टी फाइव परसेंट डेज की तरह मैं सुबह उठ गई हूँ फाइव परसेंट डेज ऑल एक्सेप्शनल लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट राइट नाउ सुबह बनाया बेड क्योंकि वो है अच्छे लोगों की निशानी नहीं नहीं कोई बात नहीं अगर तुम बेड नहीं बना पा रहे हो तो तुम बुरे नहीं हो बस तुम्हें से आलसी हो तो धीरे धीरे बनाना शुरू कर दो एक मिनट लगता है यार मैं ना एक वीडियो लेके आने वाली हूँ वन मिनट थिंग्स टू मेक योर लाइफ सॉर्टेड हो जाता है ट्रस्ट में अच्छा लगता है करके देखो फिर मैंने की यार स्ट्रेचिंग होपफुली मेरा नेक पेन और बैक पेन दोनों बेटर हो जाए कल से थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है टच वुड आई होप इट गेट्स बेटर लेट्स सी फिर वही लॉन्ग हेयर डिस्ट्रैक्शन ना बने इसलिए मैंने सुबह सुबह कर ली कॉम्बिंग उनको बना लिया एक पोनी टेल में और उसके बाद मैंने की थोड़ी सी मेडिटेशन थोड़ी सी मेडिटेशन क्या होती है यार थोड़ी सी मेडिटेशन का मतलब है कि बीस मिनट मेडिटेशन नहीं कर सकती मैं सुबह आई कॉन्ट अफोर्ड इट ऑल दो इट इज़ द मोस्ट बैलेंसिंग थिंक विच यू कैन डू विच यू मस्ट डू बट आई कॉन्ट मैं क्या करती हूँ बता दुमें ब्रीफली तीन बार ओम चांटिंग कर लो सुबह उठ के मज़ा आएगा करके देखो तीन बार ऐसे अपने सीने पे हाथ रखो और डीप ब्रीदिंग करो अच्छा लगेगा उसके बाद अगर तुम्हें कहीं पे दर्द है तो हॉट बैग लो और उसके बाद उस हॉट बैग को उसी दर्द पे रख लो और अच्छा लगेगा और उसके बाद बढ़ जाओ ठंडे ठंडे पानी से मुँह धुल लो और गरम गरम पानी को अपने अंदर डाल लो मतलब पी लो यार मलासन में बैठ के ठीक है सुबह सुबह फेस वॉश कौन लगाता है भाई मुंह में बस पानी की चींटें मारो पंद्रह बीस बार नींद क्या नींद कि नानी मामी भाग जाएंगी कितनी बार तो बताया मैंने तुम्हें तो अगर तुम सुबह जागना चाहते हो तो रात को जगने वालों की तो बात ही अलग है वो रात को मुँह पर चींटे मार मार के जागते होंगे है ना चलो तो मैं क्या कह रही थी सुबह सुबह मतलब शुरू में बातचीत हो रही ना हमारी की सब कुछ कूल cool है बताती हूँ तुमने कभी नोटिस किया है लास्ट टाइम जब भी तुम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे थे क्या तुम्हें उनमें से पांच लोगों का चेहरा भी याद है एक बार के लिए स्लो डाउन करो आंखें बंद करो इमेजिन करो कि जब भी हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वेट कर रहे होते हैं या जब उसमें बोर्ड करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है बस जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाएँ चाहे स्कूल जा रहे हो कॉलेज जा रहे हो एग्ज़ाम देने जा रहे हो एग्ज़ाम देने के दो बातें छोड़ दो घर जा रहे हो घर से आ रहे हो बस डेस्टिनेशन के बारे में सोच रहे होते हैं सफ़र डजेंट मैटर इसलिए ये सवाल उठता है कि सफ़र ज़रूरी है या मंजिल है ना मुझे लगता है कि दोनों का अपना अपना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में किसी और दिन किसी और ब्लॉग में बात करेंगे आज बात करते हैं कि मुझे नहीं याद है लास्ट टाइम जब मैं ऑटो या कैब में बैठी थी वैसे कैब में तो कौन ही होता है बट ऑटो में जब बैठी थी या फ्लाइट में जब लास्ट टाइम बैठी थी यार सबका छोड़ो मुझे एयर हॉस्टेस का चेहरा याद नहीं है शे यू वैशाली शे मॉर्न यू मैं बस क्या मतलब बोर होके बस मैं बैठती हूँ बस फटाफट फटाफट हाँ ठीक है यहाँ जाना यहाँ पहुँचना है ये मेरा सामान ना छूट जाए ये ना हो जाए वो ना हो जाए क्यों यार मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं सुबह उठते हैं अच्छा ठीक है बहुत सारा सिलेबस है पढ़ना है कल का टारगेट नहीं पूरा हुआ आज का कैसे पूरा होगा आज इतने घंटे पढ़ लेंगे कि नहीं फलाना ढिमकाना दिन बीत जाता है और हम बस उसी रश में रहते हैं जितना पढ़ रहे होते हैं उससे ज़्यादा उस पढ़ाई को लेकर खुद को परेशान कर रहे होते हैं एंड डैट्स वाई से टू माई सेल्फ डोंट वरी डोंट वरी यू आरेंट यू आर रिलेंटलेस रिलेंटेस रिलेंटेलेस यू आर वायर टू विन जस्ट सेव टू योर सेल्व थ्री टाइम्स आई एम वायर टू विन आई एम वायर टू विन आई एम वायर टू विन मैं जीत के रहूँगी यार चाहे कुछ भी हो जाए चाहे जैसे भी हो जाए बस मुझे नहीं पता कभी कभी लाइफ में जब बहुत रश्ड हो जाए ना चीज़ें तो थोड़ा स्लो डाउन कर लेना चाहिए एग्ज़ाम करीब है टाइम कम है पढ़ना बहुत ज़्यादा है टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे हैं सेलेबस तुम मत ही पूछो मुझसे तो मत ही पूछो लेकिन ख़ुद को ब्रीद करने के लिए स्लो डाउन होना बहुत ज़रूरी है इसलिए मैंने दिया तो मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल कि हम कभी नहीं नोटिस करते कि हमारे पास आँखें हैं हम देख सकते हैं हम लोगों को देखते हैं कि हाँ इनके कैसे हैं जैसे मैं एक बार कोल्लम गई हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन माई लाइफ आई वेंट टू केरला सो आई सॉ कि वहाँ पे लोगों के फीचर्स ना जैसे फेशियल फीचर्स बिल्कुल अलग थे उनका जो माथे पे वो जो टीका लगाती हैं फ़ीमेल्स वो बिल्कुल अलग था उस बस में मुझे सारी फ़ीमेल्स एक जैसी लग रही थी मैं पहचान नहीं पा रही थी मुझे सब एक जैसी लग रही थी मुझे लग रहा था कि यार चल क्या रहा है बॉस मतलब सब औरतें एक जैसी कैसे लग रही हैं ऐसा नहीं होता सेम चीज़ हो सकता हो उन्हें भी लगता हो जब वो इधर आते हो तो वो डिपेंड दिप, दिप, करता है तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इस तरह कभी पहले कभी नोटिस किया था पहली बार गई थी ना यार और कोलम तो यार चार किलोमीटर दूर अरेबियन शी सी शुरू हो जाता है क्या हो गया मेरे सौ और शाह को <laughs> तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे डिफरेंस समझ में आया जबकि हम सब एक ही हैं बस हमारे थोड़े से फेस जब डिफर करते हैं तब शायद कभी हमारा ध्यान जाता है जब कुछ डिफरेंट होता है तब है ना इसीलिए डिफरेंट होने का वेट मत करो हर छोटी छोटी चीज़ नोटिस किया करो अब तुम्हें तो लग रहा होगा कि सब कुछ कितना हैपनिंग चल रहा है ब्लॉग में भी मैं कितना स्किन केयर दिखा लिया मैंने सैटरडे था ना बॉस तो रीसेट कर रही थी थोड़ा सा मतलब एनजाइटी हो रखी थी तो मैंने कहा थोड़ा स्लो डाउन कर लेते हैं आज स्किन केयर कर लेते हैं स्किन को अच्छा लगेगा खाना खा लेते हैं और अभ्यंग किया मैंने मैं देखा कि बातों बातों में मिस हो गया तो मैंने कहा तो मैं बता देती हूँ नाश्ता दो बार किया इसलिए क्योंकि सुबह उठ गई तो भूख लग गई तो मैंने ब्रेड चाय खा ली अब मैं अपनी सफाई में इतना ही कह सकती हूँ कि वो जो ब्रेड है ना वो आटा ब्रेड है तो वो नुकसान नहीं करता और प्लस वो फ्रेश बेकरी से लिया हुआ है तो उसमें कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं मिलाया हुआ है आई एम वेरी थैंकफुल टू गंगा बेकरी कि वो लोग चालीस रुपये में मुझे आटा ब्रेड प्रोवाइड कर रहे हैं जो बाकी नॉर्मल कमर्शियल ब्रेड्स के तो हाफ़ ही क्वान्टिटी में होती है बट एक इंसान के लिए सफिशेंट होती है ख़त्म करने का हेडक नहीं होता और उसके बाद आराम से कोई प्रिजर्वेटिव भी नहीं होता तो मैं गिल्ट फ्री खा सकती हूँ रोज नहीं खाती हूँ यार अभी दो तीन बार हो गया है क्या करूँ उतना भी मैंने ब्लॉग बना लिया कोई ना वाइटामिन डी खाना था इसलिए मुझे एग खाना ही पड़ा आपने शॉर्ट्स देखा होगा ना कि वाइटमिन डी आप अपना चेक कर लो उसके बाद अगर आप वाइटामिन डी ले रहे हो तो मिल्क और प्रोटीन ज़रूर लो तो मैंने उसके लिए एग ले लिया अब मैं चली गई किचन में खाना बनाने क्योंकि सुबह का मेरा स्लॉट्स हो चुका है पढ़ाई का हाँ बातों बातों में मिस हो गया था अभ्यांग तो अगर आपको कभी बहुत ज़्यादा एंगजियस फील हो रहा हो बहुत ज़्यादा एंगजाइटी हो रही हो लाइक मैं बताऊँ मुझे ना बीते वीक में दो बार ऐसी एंग्जाइटी हुई है कैसे तो बताऊँ मतलब मुझसे लगा था कि मुझे सांस नहीं आ रही है मैं संडे को तो लिटरली पढ़ रही थी मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे फिर मैं जाके मुंह धोल रही थी और फिर पढ़ रही थी क्योंकि यार टाइम बहुत कम बचा है एग्जाम बहुत पास है और मैं ऐसे नहीं ले सकती मतलब मैं ऐसे रिस्क नहीं ले सकती तो फिर इस तरह का एक दिन था लास्ट वीक इसलिए मुझे सैटरडे को अभ्यंग करना पड़ा अभ्यंग एक टाइप का ये होता है कि आप फुल बॉडी मसाज कर लो उसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा मैं उसको यहाँ बैठ के आपको एक्सप्लेन नहीं करते बैठूंगी क्योंकि वो आपको करके ही फील होगा कोई भी ऑयल उठाओ मस्टर्ड ऑयल मुझे पसंद नहीं है अभ्यांग के लिए मुझे पसंद नहीं है क्योंकि कोकोनट ऑयल मुझे लाइट लगता है मुझे वही पसंद है मैंने वही यूज़ किया है वर्जन कोकोनट ऑयल और यहाँ मैं बना रही हूँ पालक पनीर क्योंकि यार हफ्ते में एक दो तो दिन तो अच्छा खाना खाना चाहिए और तुम्हें तो ऐसे अच्छे अच्छे खाने देखने वाले हैं अभी एक दिन मैंने बनाया पालक पनीर एक दिन मैंने बनाया दम आलू और तीन दिन से मैं खा रही हूँ चावल में घी डाल के दिन में लंच में वो तो मैंने ब्लॉग बनाया नहीं अब कोई ब्लॉग देखेगा तो बोलेगा अरे आप स्टूडेंट हो के आप पढ़ाई करके आप कैसे कर लेते हो लोग लिख के जाते हैं फिर क्या करें मैं तो इस बात में ये खुश हूँ कि हमारे कर्मा परिवार से जो लोग भी कमेंट करते हैं मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनकी कि आप इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो कि मुझे फील होता है कि यस वी आर अ लाइक लाइक मैंने जिस पर्पज़ से ये डॉक्यूमेंटेशन शुरू किया था या ये ब्लॉगिंग या ये जर्नी स्टार्ट की थी यूट्यूब पर अगर मेरे सब कुछ शेयर करने से या मेरे बताने से एक पर्सन को भी बेटर फील होता है ना सो आई वुड लाइक टू डू दैट एंड दैट्स वाई एम डूइंग इट तो दिस 99.99 लव कमेंट्स, विथ रेशियो ऑफ पॉइंट ज़ीरो कमेंट्स, आई डोंट केयर तो फिर बात चल रही थी हमारी आ, हाँ इसकी कि मुझे कितनी ज़्यादा एनजाइटी हो रही है और मुझे पता है तुम्हें भी इक्वली हो रही होगी तुम्हारा लाइफ अलग थोड़ी है मुझसे तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करती हैं फॉर एग्जाम्पल जो भी मैं स्किन केयर करती हूँ वो तो वैर बॉयज़ और गर्ल्स के लिए सेम है मतलब दोनों कर सकते हो ऑल ऑल्टो बॉयज़ को मैंने देखा नहीं क्योंकि उनको बता दिया जाता है ना भाई स्किन केयर कर रहा है तो भाई लड़कियों की चीज़ है पागल है क्या कभी माएँ बोलती नहीं लड़कियों को बोलती हैं बेटा बेसन लगा लो बेटा मिट्टी लगा लो बेटा तो रंग को लेकर तो सबसे पहले तो हमारे घर में चीज़ें स्टार्ट होती हैं लड़कियों को लेकर बॉयस को कोई नहीं बोलता बॉयस को बोलता कि अगर तू पढ़ ना तो तुझे ब्याह के करी समझ रहे हो मीन्स इफ यू विल नॉट स्टडी इफ यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब हु विल गेट मारड टू यू आई वॉन्ट टू आस्क वाई दी नीड्स अ गर्ल हु गेट मारड टू हिम ओनली इफ ही इज वर्किंग और इफ ही इज हैविंग अ गुड जॉब दैट इज नॉट गुड राइट बट लेट इट बी अब सोसाइटी है क्या कर सकते हैं है ना तुम भी ये कहोगे तो इसके बाद वापस अगेन दिस स्मॉल थिंग्स ही एरोमा थेरेपी अब ये तो मुझे लगता है मैंने तीन साल से करना शुरू कर दिया जब भी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी फील हो रहा होता है ना तो फटा -फट से मैं फटाफट सिर्फ मैं पानी डालती हूँ और इसमें मैं दो तीन बूंद कोई भी इसेंशियल ऑयल डाल देती हूँ उससे थोड़ा मुझे कुछ टाइम बाद बेटर फील होने लगता है आप इसके बारे में यूट्यूब गूगल डॉक्टर जिससे पूछना है पूछ लेना इट रियली वर्क्स एरोमा थेरेपी वर्क्स अभ्यंग वर्क्स हैविंग अ गुड फूड न्यूट्रिशियस फूड वर्क्स वॉचिंग सनराइज वर्क्स वॉचिंग सनसेट वर्कस गोइंग फॉर अ वॉक वर्कस रीडिंग अ गुड बुक वर्कस अच्छा सेवेंटी फाइव हार्ड में मैंने कभी नहीं बोला आपको कि दस पेज सुबह उठ के पढ़ते हैं मुझे यार ये मुंह में छाले गए थे इसके लिए मैंने यूज़ किया है अगैन अगर आपको छाले हो तो दिस इज द बेस्ट थिंग विच यू आर गोइंग टू यूज़ स्माइली या स्माइली जो बोल लो उसका माउथ हल्सर जेल बहुत सही काम करता है क्या बात कर रहे थे हम लोग हाँ दस पेज पढ़ने की बातें नहीं की मैंने वो इसलिए नहीं की यार क्योंकि मैं कर सकती दस पेज पढ़ना मुझे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है मुझे नशा है किताबें पढ़ने का बट नहीं पढ़ सकती मैं तो इसलिए मैं कभी कभी जब मुझे ख़राब फील हो रहा होता ना तभी मैं एक पन्ना पढ़ लेती हूँ दो पढ़ना पढ़ लेती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ तीसरा पन्ना मुझे थोड़ा बेटर फील करा रहा है मैं बंद कर देती हूँ ठीक वैसे मैंने कभी आपको नहीं बोला कि रोज़ जर्नलिंग करनी है रोज़ लिखना है रोज ग्रेटिट्यूड लिखना है नहीं मेरे पास रेटीट्यूड डायरी है मेरे पास जर्नलिंग है मेरे पास एक ही वाइट डायरी जो आप देख रहे हो वो इस चीज़ के लिए है कि कुछ भी आइडिया आया चाहे वो पढ़ाई से लेकर चाहे वो किसी भी चीज़ से लेकर तो वो मुझे लिखना है क्योंकि भाई मैं कितनी चीज़ें दिमाग में रखूंगी ना एक टाइम पे मेरे ऑफिस में ये हो जाता था वो आता था सब कुछ लिखना लिखना पड़ता था फिर म, उसके बाद अपनी पर्सनल लाइफ भी है फिर अब यूट्यूब भी है कि हाँ मुझे मतलब मुझे टाइटल समझ नहीं आता कई बार मैं क्या लिखूँ तो मैं सोचती हूँ कि आपने जो कॉमेंट्स पूछे उससे आंसर दे देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अ बनारसी गर्ल फॉर एग्ज़ाम्पल अ ट्वेंटी सेवन ईयर ओल्ड गर्ल तो ये सब चीज़ें मैं डालने का सोचती हूँ तो मैं इस चीज़ को लिख देती हूँ कि हाँ टाइटल में मुझे आंसर्स देने हैं समझ रहे हो आप क्योंकि बातें इतनी सारी करनी होती है ना कि क्या ही बताऊँ मैं और ब्लॉग्स में कभी रिकॉर्ड कर पाती हूँ तो ये मेरी पर्पल डायरी जो है वो मेरी ग्रेटिट्यूड डायरी है और उसमें कभी कभी मैं भगवान को थैंकफुल हो जाती हूँ कि हाँ भैया थैंक यू आपने मुझे बहुत कुछ दिया मैं नहीं आपसे शिकायत करूँगी कि वाई मी मेरे पास छत है मेरे पास अच्छा खाना खाने को है और मेरे पास माँ बाप है जो हेल्दी हैं तो इस तरह की ना चीज़ें होती हैं वो हम लोगों को भगवान को बोलनी चाहिए कि भगवान अल्लाह या गॉड अब जो भी हुआ आपने जितना मुझे दिया बहुत दिया और उसके लिए जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ और आगे जो चीज़ें मुझे चाहिए जिनके पास नहीं है उनको भी दो रिसेंटली मैंने कहीं पर पढ़ा था और मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वाई मी जब कुछ अच्छा होता है तो हम क्यों नहीं बोलते हैं कि वाई मी मुझे ही सब कुछ अच्छा अच्छा क्यों दिए जा रहे हो भगवान बाकी लोगों को भी तो देखो जिनको ज़रूरत है खाने की उनको भी तो दो तो मुझे लगा था कि मैं इस चीज़ को आपको बोलूँगी कि जब हम बहुत दुखी होते हैं लाइक कभी कभी हम बहुत लोवेस्ट होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ लोगों का एग्जाम बी का अच्छा नहीं हुआ तो वो लोग कॉमेंट्स में बता रहे थे मुझे ये चीज़ तो यार उसके लिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मैं कोई भी वर्ड यहाँ बोल दूँ ना आपको वो बेटर फील नहीं करा सकता आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर आप सिविल सर्विसेज या किसी भी ऐसे टायरिंग uh, और एग्जॉस्टिंग जर्नी में घुस चुके हो जहाँ पे आप एक अटैम देने के बाद सोचते हो कि अरे यार मैं वहाँ पर थोड़ा सा बेटर कर लेती ना तो शायद मेरा इस बार सही हो जाएगा सो इट्स अ जर्नी बॉस यू विल टेक टाइम एंड यू विल गेट थ्रू इट एंड ओनली टाइम कैन हील यू माई नो वर्ड्स कैन मेक यू फील बेटर इफ़ अभी अभी आपका एग्ज़ाम ख़राब हुआ है तो विथ टाइम यू विल गेट बेटर एंड यू नो यूर सेल्फ आप खुद को ठीक कर लोगे आप वापस पढ़ना शुरू कर दोगे आप मुझे बता रहे हो कि हाँ मैं सही हो गया हूँ अब मैं ना जो इसके आगे ऐसे ऐसे करने वाला हूँ ये गलतियाँ होगी नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूँगा नाट्सैड सो दैट इज़ वाई वी शुड नॉट ऑलवेज बी सेंग जब हम अपने लोवेस्ट होते हैं कि वाई मी समाइम्स जब हमारा अच्छा चल रहा होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ हम डिज़र्व करते थे इसलिए मिला तो दुख के टाइम पर भी हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए और ये सारी बातें ज्ञान की अपने से ही आती हैं सीख सीख के ज़िंदगी को जी जी के मुझे लगता है कि अगर यार ये चीज़ें मुझे किसने क्लास ट्वेल्थ में बता दी होती कॉलेज में बता दी होती सो आज जो चीज़ें मैं अब सीख रही हूँ शायद मैं इस चीज़ों को बहुत पहले सीख जाती अपने आप को खुद से डील करना खुद के कंपेनियन बने रहना खुद से बेटर रहना बेंगलोर में मैंने सेकेंड टाइम खीर बनाई है और थर्ड टाइम एक साल में कभी नहीं बनाई थी पहले तो मुझे खीर पसंद भी नहीं थी पर आजकल छाला हुआ था तो मैं खा रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था एंड नाउ हियर कम्स द लास्ट एंड मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द वीडियो इतनी सारी बातें हो गई कुछ तो अधूरी रह गई नेक्स्ट टाइम करेंगे ये एक छोटी सी चीज़ या कह लो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए जो मैंने अपने को गिफ्ट की है 2023 में एंड 2024 स्टार्ट होने से पहले मेरी यार बचपन से इच्छा थी जैसे लड़कों की होती है ना बाइक के कटआउट्स लगाते हैं डायरी में कि हाँ ये बाइक पसंद है ये ये कार पसंद है एक्सेट्रा एक्सेट्रा वैसे ही मेरी मम्मा की जो ड्रेसिंग टेबल थी ना वो मेरे गांव पे थी जो बनारस से सेवनटी किलोमीटर्स दूर है तो हम लोग कभी वहाँ से लेके आ नहीं पाए मैं हमेशा उनको बोलती रही कि हम लोग को मुझे ड्रेसिंग टेबल चाहिए 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 लेके आओ तो वो बोलती थी कि नहीं तुम्हारे लिए नया खरीद देंगे फिर धीरे 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 जानते उनको ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि तुम्हारी शादी में ख़रीद देंगे सो आई थॉट वाई आई एम शादी मैन अभी खरीद लो यारिम्पल मिनिमलिस्टिक एंड ऑफकोर्स वाला आप मुझे इसकी प्राइस गेस करके बताना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग इसकी प्राइस रिविल करने वाले हैं और इसके साथ इसको मैं अरेंज भी कर दूंगी सी यू अगैन वेरी सुन टेक केयर बाय बाय बड़ी थैंक यू फॉर वॉचिंग इन केस यू हैव नॉट सब्सक्राइब वी विल मीट अगेन बिकॉज लाइफ इज अर्कल जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फोर दो स्टडी हा टेक केयर एंड बी हैप्पी।